लास्ट टाइम वी हैव डन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। एंड एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, कोई एक ऑर्डिनरी मेटल वायर है, व्हेन नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी द इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली कोलाइड विथ ईच अदर एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, बट व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी द इलेक्ट्रॉन्स स्लोली ड्रिफ्ट्स विथ अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट वी हैव डन इट। Now, derivation of Ohm's law from drift velocity. Because since the current I through a conductor is given by I is NEAVD, last time we have derived this, I is NEAVD. Also, the drift velocity of electron is VD is EE by M into tau. Here tau, last time we have done it, tau is relaxation time. This is equation 2. So, putting equation 2 in equation 1. So I is equal to NEA and VD. VD will be equal to EE by M into tau. ठीक है, now N E into E, E square area A tau by M and electric field is voltage by length, you know E is V by L, कई बार कराया पहले। So now V को I को इधर कर देंगे, ये टर्म उधर ले जाएंगे, तो V by I इधर हो गया, ये इधर चला गया ML, और ये डाउनवर्ड आ गया एम एल बाई एन स्क्वायर, ये टॉप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही आ जाएगा। एंड ओम्स लॉ वी नो दैट वी बाई आई इज इक्वल टू आर, इट्स ऑल राइट, तो वी बाई आई इज इक्वल टू आर, सो हैंस वी इज इक्वल टू आई आर, सो वी इज इक्वल टू आई आर, हैंस प्रूफ, सो दिस इज द ओम्स लॉ, वी नो दैट ओम्स लॉ फॉर्मूला इज दिस। नाउ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो, नाउ सी दैट from equation 4 we can write r is rho l by a, we can write it r is rho l by a, rho l by a m n square tau, it is called rho, so r is rho l by a, is it clear? And if l is 1 meter, a is 1, l be 1, a is 1, then r is equal to rho. So what is resistivity? It is equal to the resistance per unit length per unit area, so R is equal to rho, thus rho of a material is defined as the resistance of unit length and unit area of cross section of the conductor. Now unit of rho is ohm meter, unit of rho is ohm meter, क्योंकि ohm rho हो गया ना, R A by L, एक length cancel हो जाएगा, तो ohm into meter आ गया, so rho is ohm meter. Thus resistivity depends upon, resistivity किस पर depend कर रही है, resistivity depends upon N and tau, देखो ये resistivity N पे और tau पे depend करती है, ठीक है कि नहीं? We can write like this also, that rho is equal to M by N e square tau, ये यहाँ से आ जाएगा rho, M N e square by tau, so you see that resistivity mainly depends upon N and tau, क्योंकि हर material जैसे silver metal ले या copper ले, mass of electron, charge of electron तो same ही होगा, नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा, सो दस रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन एन एंड टॉप, दैट इज ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे रो डिपेंड करता है, कॉपर का रो अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, एंड नॉट ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, उसके शेप पे नहीं डिपेंड करता, सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉप, सो इफ रिलैक्सेशन टाइम टॉप डिक्रीजेस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा एक्सपेंशन है इसका, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वी नो दिस, मल्टीप्लाई बाई एल एंड डिवाइड बाई एल, तो रो एल स्क्वायर बाई ए इंटू एल, सो रो एल स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज गिवन एज मास बाई डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एल, रो कॉन्स्टेंट है मटेरियल का, डेंसिटी ऑफ मटेरियल भी फिक्स है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एल, जैसे गिवन होगा कॉपर वायर, सिल्वर वायर और कोई और वायर है, इनकी लेंथ की रेशियो और मास की रेशियो है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, सो वेरी इजीली इट कैन बी सॉल्व। नेक्स्ट कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा इज 1 बाय रो, एंड इट्स द यूनिट ऑफ सिग्मा इज मो मीटर माइनस 1 और साइमन मीटर माइनस 1, दिस इज यूनिट। Now note number 1, conductivity of silver is greater than aluminium, greater than tungsten, greater than water. तो इनमें compare करें तो सबसे ज़्यादा silver का होता है, ठीक है कि नहीं? But silver costly है, इसलिए wires वगैरह silver की नहीं बनाते, ठीक है? Second, when metallic conductor is heated, the product of rho and sigma does not change.
क्योंकि देखो रो इंटू सिग्मा वन कॉन्स्टेंट है, अगर मटेरियल को हीट करेंगे रो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिग्मा कम हो जाएगा, तो रो इंटू सिग्मा इज कॉन्स्टेंट। ये सीबीएसई बोर्ड में आया था क्वेश्चन, वन मार्क्स का। नो नेक्स्ट कंडक्टेंस जी, जैसे रेसिस्टिस कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी था, सिमिलरली कंडक्टेंस जी इज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, सो जी इज इक्वल टू 1/R, इट्स यूनिट इज MHO और साइमन, ठीक है। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, बोर्ड में आया था 2015 में, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा। सपोज किसी कंडक्टर से करंट आई जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, करंट डेंसिटी भी इधर है, एल इज द लेंथ, ठीक है, एंड ए द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन सिंस वी नो दैट वी इज आई आर ओम्स लॉ से, वोल्टेज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू लेंथ, एंड आर इज रो एल बाई ए, लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, सो ई बच गया इधर, एंड करंट बाई एरिया यू नो करंट डेंसिटी जे इन टू रो, सो करंट डेंसिटी जे कितना हो गया, जे हो गया ई बाई रो, एंड वन बाई रो इज सिग्मा, सो जे इज सिग्मा ही, सो इट इज इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी जे एंड कंडक्टिविटी सिग्मा। नाउ दस जे इज प्रोपोर्शनल टू ई, जे इज प्रोपोर्शनल टू ई मीन जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी करंट डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। नंबर वन डायरेक्शन ऑफ जे इज सेम एज दैट ऑफ ई, इफ ई इज कॉन्स्टेंट जे इज कॉन्स्टेंट, इफ ई इज जीरो देन जे इज जीरो। न्यूमेरिकल्स ऑन आर इज रो एल बाई, लेट अस सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए एंड रेसिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू डबल इज लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। ये वायर एल लेंथ का, इसको स्ट्रेच कर दिया गया डबल लेंथ, तो अब इसकी न्यू रेसिस्टेंस क्या होगी? जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तब क्या होगा, ये एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तो ए डिस्टेंस बाय स्ट्रेचिंग द सेम वायर द वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट। सो सिंस वी नो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, बाई स्ट्रेचिंग द वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वायर इज ए इन टू एल, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वायर इज ए डैश इन टू टू एल, सो ए डैश विल बी ए बाई टू, सो सी दैट एरिया बिकम्स हाफ। नाउ न्यू रेसिस्टेंस, वॉट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस, आर डैश, आर डैश इज रो, मटेरियल तो सेम ही है, रो लेंथ हो गया टू एल एंड एरिया ए बाई टू, सो इट इज फोर रो एल बाई ए, एंड वॉट इज रो एल बाई ए, सो न्यू रेसिस्टेंस विल बिकम्स फोर टाइम्स, एंड शॉर्टकट इज दिस, आर डैस इज एन स्क्वायर बाई आर, डबल करेंगे तो फोर आर हो जाएगा, थ्री टाइम्स करेंगे तो नाइन आर हो जाएगा। सेकेंड शॉर्टकट मेथड, सिंस वी नो दैट आर इज रो एल बाई ए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एल, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई एल, तो ये रो हो गया एल स्क्वायर, एरिया इन टू लेंथ इज वॉल्यूम, सिंस वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट रो रिमेंस कॉन्स्टेंट, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, सो ये भी शॉर्टकट है इसका, एल इज डबल, सो एल को डबल कर देंगे ये, तो आर डैश इज इक्वल टू फोर एल स्क्वायर, एंड एल स्क्वायर इज आर, सो देखो फोर टाइम्स हो गया ना, दिस इज द सेकेंड मेथड, सो यू रिमेंबर दिस शॉर्टकट, लेंथ को डबल कर दिया गया, अगर उसको स्ट्रेच किया गया तब के लिए वैलिड है ये, सो दिस इज द आंसर। एंड आर इज रो, अनदर शॉर्टकट, आर इज रो एल बाई ए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एरिया, नो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एरिया, तो ये एरिया ए आ गया और ये ए स्क्वायर हो गया, एल इन टू ए इज वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इन टू स्क्वायर, एरिया वायर सर्कुलर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर स्क्वायर, सिंस रो एंड वी इज कॉन्स्टेंट, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर फोर, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, कई बार गिवन होता है वायर को स्ट्रेच किया गया रेडियस हाफ हो गया तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा, तो ये शॉर्टकट लगा के बन जाएगा ये। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में, नीट में आया, जे 2011 लास्ट ईयर भी आया 2019, इफ ए वायर इज स्ट्रेच टू मेक 0.1% लॉन्गर इट्स रेसिस्टेंस विल, रेसिस्टेंस कितनी होगी बाई इनके दे, सो यू नो दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1.1, स्ट्रेच हो गया ना 0.1, तो 1.1 एल स्क्वायर, सो इट इज 1.21 एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इज आर, सो प्रोपोर्शनल टू 1.2 आर, तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी हो गई, पहले 1 आर थी अब 0.21 हो गया, तो ये 0.2% इंक्रीज हो गई, इट्स ऑल राइट, सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट फॉर कॉम्पिटिशन दिस क्वेश्चन है, हॉलो मेटेलिक स्फीयर हैज इनर रेडियस ए, ये पार्ट हॉलो है, स्फीयर है इतना पार्ट हॉलो है रेडियस ए, और बाकी ये बी है, ठीक है, तो इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी एंड रेसिस्टिविटी रो, ये पूरे मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो है।
फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस इनर और आउटर सरफेस, इनर सरफेस और आउटर पे रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंस ये वेरिएबल है, ए बी कंटिन्यूस वेरी कर रहा है, तो ये इंटीग्रेशन से होगा ये। सो वी नो दैट रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी एल बाई ए। इफ वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पे, एक स्मॉल एलिमेंट डी एक्स ले लेते हैं ये, तो रो रो हो गया लेंथ डी एल इज डी एक्स, एंड वॉट इज द सर्फेस एरिया ऑफ दिस 4πx². सो रो बाई 4π बाहर आ गया, एक्स माइनस 2 डी एक्स ऊपर हो गया, सो रो बाई 4π, यू नो दैट ये इंटीग्रेशन माइनस 1x होती है। पुटिंग द लिमिट वी गेट रो बाई 4π 1a माइनस 1b, रो बाई 4π टेकिंग एलसीएम, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल NCERT, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एलमुनियम एंड अदर ऑफ कॉपर, हैव द सेम रेसिस्टेंस, लेंथ भी सेम है, रेसिस्टेंस भी सेम है, विच ऑफ द टू वायर इज लाइटर, दोनों में से हल्का कौन है। गिवन रो एलमुनियम इज दिस वन, रो कॉपर इज गिवन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एलमुनियम इज 2.7 एंड ऑफ कॉपर इज 8.9, ठीक है। तो विच इज लाइटर दैट वी हैव टू डिसाइड। देखो अभी हमने थ्योरी में कराया था, सिंस वी नो दैट आर इज रो एल स्क्वायर डी बाई एम, रो इज रेसिस्टिविटी, डी डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में अभी कराया फॉर्मूला मैंने, एम मास ऑफ द वायर है। सो हियर यू आर सी दैट वी हैव टू कंपेयर द टू सिचुएशन, गिवन दोनों की आर सेम है, एल सेम है, आर भी सेम है, एल भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो एम इज इक्वल टू रो इन टू डी, सो मास ऑफ कॉपर बाई मास ऑफ एलमुनियम, इट इज रो कॉपर डेंसिटी कॉपर बाई रो एलमुनियम डेंसिटी एलमुनियम। रो कॉपर गिवन है 1.72 into 10 to power minus into 10 to power minus 8, ठीक है, and density of copper is given, it is 8.9, and similarly rho of aluminium is given 2.63 into 10 to power minus 8, and this is given 2.7, so ये 1/0.46 हो जाएगा, so mass of aluminium is 0.46 times of mass of copper. So aluminium is lighter than copper. So mass of copper is greater than mass of aluminium. Now see the another numerical. This was asked in CBSE board. ठीक है? A wire of 20 ohm resistance is gradually stretched to double its original length. It is then cut into two equal parts. These parts are then connected in parallel across a 4-volt battery. Find the current drawn from the battery. देखो एक चीज समझना, अगर कोई वायर रखा हुआ है तो जितनी लेंथ है उतनी रेसिस्टेंस होगी, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, लेकिन अगर उस वायर को स्ट्रेच किया गया है देन आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये दिस इज अ वायर ऑफ 20 ओम रेसिस्टेंस, नो इसको स्ट्रेच किया गया डबल द लेंथ, तो अभी हमने कराया था लेंथ डबल करने से एन स्क्वायर आर, तो टू स्क्वायर हो गया, डबल किया गया तो टू टू स्क्वायर, और ओरिजिनल 20 था तो 80 हो गया। सो अब उस वायर का रेसिस्टेंस 80 हो गया, अब उसको बीच से कट कर दिया गया तो 40 ohm हो गया, क्योंकि जितनी लेंथ उतनी रेसिस्टेंस, और ये 40 40 को पैरेलल कनेक्ट किया गया बैटरी 4 वोल्ट से, तो 40 40 पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 20 ओम हो गया। नाउ ओम्स लॉ आई इज वी बाई आर, तो आई इज 4/20, सो 1/5 एम्पीयर इज द आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी हमने स्फीयर का नहीं कराया, ऐसे कई बार कॉम्पिटिशन में सिलेंडर का भी आ सकता है। ये सिलेंडर है, कोएक्सियल सिलेंडर है, इनर रेडियस है, आउटर रेडियस बी है, तो इनके और इनके बीच में हमें ये निकालना है रेसिस्टेंस। सो फाइंड द रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, अक्रॉस ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। नाउ वी विल कंसीडर एट ए डिस्टेंस आर एक स्मॉल एलिमेंट, वी विल टेक डी आर, ठीक है, पहले इनके बीच रेसिस्टेंस निकाल लेंगे डी आर, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे ए टू बी। सो इनके बीच रेसिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल रेसिस्टेंस डी आर विल बी रो एल, एल हो गया लेंथ डी ए, एंड इन टू एरिया, एरिया ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर, ये डी आर बाई ए, सो रो डी आर एंड एरिया कितनी होगी, ये 2πr, ये यहाँ से यहाँ देखो ये है ना ये सिलेंडर, ये पूरा 2πr इंटू दिस लेंथ, पूरा 2πr इंटू दिस लेंथ विल बी द एरिया, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग आर इज इक्वल टू रो 2πl कॉन्स्टेंट बार आ गया डी आर बाई आर ए टू बी, यू नो दैट इंटीग्रेशन डी आर बाई आर इज लॉग आर, एंड पुटिंग द लिमिट वी गेट रो बाई 2πl लॉग ई बी बाई ए, दिस बी का आंसर, ठीक है।
एक देखो सिंपल क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2015 में आया था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये पूरा एक एल्युमिनियम का बार है और इसके अंदर इतना पोर्शन होलो था, उसमें वायरन का बार इंसर्ट कर दिया गया। ये 7 मिलीमीटर साइड है स्क्वायर का और स्क्वायर का 2 मिलीमीटर है और लेंथ ऑफ द बार इज 50 मिलीमीटर। तो इस एंड और इस एंड, इन दोनों एंड के बीच में फाइंड द रेसिस्टेंस। सो लेट अस सी दैट इन एन एल्युमिनियम AL बार ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ए स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड इज फिल्ड विद एन आयरन। ये देखो आयरन से फिल्ड है एज शोन, इट इज इन ए गिवन फिगर, रो एल्युमिनियम गिवन है एंड रो आयरन इज गिवन। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस पी एंड क्यू ऑफ द अपोजिट बार, इसके अक्रॉस पी एंड क्यू के बीच कितना होगा। तो पहले फाइंड कर लेते हैं रो एल्युमिनियम कितना होगा एल्युमिनियम के अक्रॉस। तो रो एल्युमिनियम इज रो एल बाई ए, रो गिवन है एल्युमिनियम का 2.7 × 10⁻¹, लेंथ 50 मिलीमीटर, तो ये 50 × 10⁻³ हो गया। और ये एरिया क्या हो गया, पूरा एरिया माइनस दिस एरिया, एल्युमिनियम तो इस पार्ट के लिए ना, ये पार्ट में तो है नहीं एल्युमिनियम, तो आउटर एरिया माइनस इन आउटर एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ सेम है, तो ये हो गया 7² माइनस इनर माइनस करना होगा 2² मिलीमीटर में, तो स्क्वायर आ गया, तो यहाँ मिलीमीटर को एसआई में चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁶, ये सॉल्व करके 3 × 10⁻⁵ आ गया। सिमिलरली आर आयरन लेंगे ये, तो रो आयरन गिवन है, लेंथ ऑफ आयरन गिवन है, और ये एरिया ऑफ आयरन का कितना हो गया अंदर का 2 × 10⁻³ स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 125 × 10⁻⁵। नाउ दिस टू आर इन पैरेलल, ये देखो ऐसे पैरेलल है, एक आयरन है एक एल्युमिनियम है, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो आर इक्वलेंट इज R1 R2 / R1 + R2, सो आर एल्युमिनियम वी हैव कैलकुलेटेड दिस into R iron, this by R and R aluminium plus R iron, ये दोनों add करेंगे, ये solve करके 1875/64 is the answer, so answer is beta. Now see that the relation between drift velocity and resistivity, ठीक है, this was asked in CBSE board 2013 and last year there was a numerical in All India JEE 2019, ठीक है, so let's see this. Now we know that पीछे अभी कराया density, resistivity is E by J, electric field by current density. Also we know I is equal to NEA VD. So from here J, current density J, we know current current area. तो current current area is J, so it is NEA VD. तो J इतना आ गया. Now rho is equal to E, J की value हो गई NEA VD, putting here, putting this value here, तो ये आ गया NEA VD. Let it be equation 1. Also we know electron mobility बताया था मैंने, mu is Vd by E, electron mobility Vd by E, last time बताया था मैंने ये. So this E by Vd is 1 by mu, so E by Vd is 1 by mu, so rho is 1 by Ne, so it is important formula, board में भी proof करने आया था, it can be, and अभी numerical भी करा देंगे इसे. Now from equation 1, थोड़ा और extension from equation 1, Vd इधर कर दे, rho इधर कर दे, Vd is E by Ne rho, electric field is voltage by length हो गया, ये equation 3 हो गया. Now, अब यहाँ से एक दो conceptual question आया था board में, effect of by increasing temperature of conductor, rho increases, कोई भी metal है ना, temperature बढ़ने से rho बढ़ती है ये, ठीक है, rho increases and hence Vd decreases, rho increase होगा तो drift velocity decrease होगा, Vd and length बढ़ने से भी क्या होगा, Vd decrease होगा, Vd decreases when length of conductor is increased, so this is a conceptual question. Now JEE mains 2019 में यही question आया था, इसे ये the density of electron is this 10⁻¹ per meter cube and their mobility is this 1.6 so on, then resistivity rho is close to, find resistivity rho. So we know that rho is 1 by Ne mu, just now we have done it, and N was given in numerical 10⁻¹, charge of electron we know this, and mobility mu is given in question 1.6, and dividing this we get 0.4 ohm meter, ठीक है, ऐसे तो देखने में easy लग रहा है, अगर थोड़ा ये theory नहीं किया हो तो थोड़ा difficult होता है exam में. So I think it is clear. एक shortcut for advanced objective, ये wire है जिसकी area of cross section change हो रही है, तो फाइंड द रेसिस्टेंस अक्रॉस इस एंड. तो देखो बेसिक तरीका बहुत लेंदी है, थोड़ा लेंदी है कि ये स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स है, उसका डी आर निकालेंगे,
फिर उसके फिर ये इंटीग्रेट करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी है, तो ऐसे आया कभी नहीं एग्जाम में, बट मैं इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ये आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल एल लेंथ है, रो गया एरिया, टेक द मीन एरिया दिस, इधर भी ले लेना इधर भी ले लेना, तो मीन एरिया इधर क्या होगी पाई ए स्क्वायर और इधर हो गया पाई बी स्क्वायर, सो रो एल बाई पाई ए बी आंसर। एकदम शॉर्टकट और बहुत ही अच्छा है ये शॉर्टकट कि सीधा आ जाएगा, नहीं तो बहुत लेंदी है। ऐसा क्वेश्चन चार पांच चैप्टरों में मिलेगा, चार चैप्टरों में मिलेगा आगे, जैसे हीट थर्मोडाइनमिक्स में कंडक्टिविटी होता है, हीट इधर से इधर कंडक्ट होता है, तो ये एडवांस के लिए अगर ऐसे जाएगा तो कितनी फ्लो होगी, तो वहाँ पे फॉर्मूला पता ही है क्यू बाई टी के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बाई एल, तो वहाँ पे ए जो लेंगे वैसे ही मीन एरिया ले लेंगे, तो इजिली बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक सुपर कंडक्टर। व्हाट आर सुपर कंडक्टर? देखो कोई भी टेम्परेचर कम होने से रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है कि नहीं? तो कोई भी कंडक्टर है का टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो इट हैज बीन फाउंड दैट सर्टेन मेटल्स है ना, उसके टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, रूम टेम्परेचर से कम करते जाएंगे तो रेसिस्टिविटी देखो डिक्रीज होती जाएगी, एंड अचानक किसी खास टेम्परेचर पे जीरो हो जाएगी। सो सच कंडक्टर्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। सो सी दैट द रेसिस्टेंस ऑफ सर्टेन मेटल्स एंड अलॉयज डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड हेंस बिकम्स जीरो एट वेरी लो टेम्परेचर। सच कंडक्टर्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मर्करी इज 4.2 केल्विन। सबसे पहले मर्करी में ही पाया गया 4.2 केल्विन पे जीरो रेसिस्टेंस हो जाती है, एंड लेड 7.25 केल्विन एंड नायोबियम 9.2 केल्विन, ठीक है? तो सच कंडक्टर का रेसिस्टेंस है ही नहीं, अगर एक रिंग ले ले करंट फ्लो कराएंगे तो इनडेफिनेट पीरियड तक फ्लो करता रहेगा। नाउ कॉज ऑफ सुपर कंडक्टर्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है ना, इसमें फिक्स लैटिस आयंस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इससे टकराता है, इससे टकराता है, तो इट ऑफर्स रेसिस्टेंस, बट एट वेरी लो टेम्परेचर सारे इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड बना लेते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो तो आयंस जो है सो सप्रेस हो जाता है, वो दब जाता है, इनको कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता, ठीक है? दिस इज द कॉज। सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सुपर कंडक्टर्स आर म्यूचुअली कोहेरेंट एंड कोऑपरेटिव एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो सब इकट्ठे ग्रुप बना लेते हैं, कोहेरेंट हो जाते हैं, एंड हेंस दे डू नॉट कोलाइड विथ ईच अदर एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर। सो सुपर कंडक्टर हैव ऑलमोस्ट जीरो रेसिस्टेंस, जब कोलाइड ही नहीं करेंगे तो रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। और अभी मैंने बताया इट हैज बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली इफ ए करेंट इज सेट अप इन ए क्लोज रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इट विल कंटिन्यू टू फ्लो फॉर इनडेफिनिट पीरियड। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डिक्रीज हो रहा है, मरकरी के केस में का एग्जाम्पल है, अचानक 4.2 के पे रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा।